हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब की अपडेट, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वैकेंसी कितनी निकली हुई है एंड इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पोस्ट नेम की बात करें यहाँ तो इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड ऑपरेटर के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है एंड यही आपको पोस्ट नेम रहने वाला है। रिक्रूटमेंट टाइप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है। स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनियन की ये जॉब्स रहने वाली है। सैलरी की बात करें यहाँ तो आपको सैलरी अच्छी खासी प्रोवाइड हो रही है। फर्स्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको 22,000 से लेकर 23,500 है एंड सेकंड इंजीनियर के लिए 15,500 से लेकर 23,500 यहाँ सैलरी प्रोवाइड हो रही है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 11,000 से 13,500 है। ऑपरेटर के लिए 10,500 से लेकर 12,500 यहाँ आपको सैलरी प्रोवाइड हो रही है। अप्लीकेशन फॉर्म की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर अप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं एंड अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम की। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ तो टोटल 18 वैकेंसी पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसमें फर्स्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए 1 है, सेकंड इंजीनियर के लिए 8 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 7 है, ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ तो फर्स्ट इंजीनियर के लिए आप एमटेक से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, ईसीई, ईएनटीसी, ENI, ENE, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, IC विथ 60% मार्क, मतलब जो भी आपका ग्रेजुएट है बी बी टेक में उसको उसमें आपको 60% मार्क यहाँ कंपलसरी लगने वाले हैं। सेकंड इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें यहाँ तो बी बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क, मतलब आपको टोटल पोस्ट के लिए जिस भी ब्रांच से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपको ग्रेजुएट में 60% मार्क यहाँ कंपलसरी होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क, इसमें आप फ्रेशर भी आप एलिजिबल है। ITI के वास्ते यहाँ ऑपरेटर के लिए ITI फिटर विथ 60 मार्क्स, सिर्फ ITI में फिटर ट्रेड के लिए ही रिक्रूटमेंट है जिसमें आप ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें यहाँ तो आपको अपर एज लिमिट 36 ईयर है। रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। केरला गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो भी है डिसाइड करने वाले केरला गवर्नमेंट, उसके बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड विल ऑल्सो इंक्लूड रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, व्हेनेवर रिक्वायर्ड ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू एज मे बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट। जो भी समझो आपके अप्लीकेशन काउंट होने वाले उसके बिना पर आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होने वाला है। आपका रिटर्न टेस्ट के बिना पर भी हो सकता है, स्किल टेस्ट के बिना पर भी हो सकता है या आपका डायरेक्ट मेरिट के बिना पर भी आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। क्या अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ तो आपको जनरल के लिए 300 रुपये फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। SC ST के लिए आपको कोई भी फ़ीस भरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। आपको इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 30/9/2021 रिलीज़ हो चुकी है एंड इसकी स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन भी 30/9/2021 रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो 11/10/2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से ये नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।